दोस्तों हमने ये डीको पेंट किया है आज सैंपल के लिए आपको दिखाने के लिए, और ये कैसे होगा देखिए कितना जबरदस्त है, व्हाइट है, येलो है, ये रेड है, इसको कैसे करना है आइए वीडियो के माध्यम से हम देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम ले लिया ये तीन पीस एमडीएफ का, आधा इंची मोटा है, इन्हीं तीनों पीसों को किया जाएगा। तो सबसे पहले हम घिसाई कर लेंगे क्योंकि जो कटर से काटा गया है इसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं है, तो मोटा वाला पेपर इस पे चलाएंगे हम, इसको हम घिसाई कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये दोस्तों हमारा घिसाई हो गया कंप्लीट, अब मारेंगे इस पे हम सीलर। इससे पहला हाथ मार लेते हैं हम सीलर, तो सीलर दोस्तों मार दिया, ये सूख गया है। इसके बाद हम कर लेंगे इस पे पट्टी, एक कोट जो है पट्टी फुलफिल कर देंगे इस पे हम, क्योंकि ये जो छोटे मोटे गड्ढे होंगे या फिर रेसे होंगे ये जो है बंद हो जाएंगे, ये सब जो है इसके लिए हम पट्टी पूरा खींच देंगे। ये दोस्तों हमारा पूरा पट्टी हो गया, अब इसको सूखने के लिए हम धूप में रख देते हैं, फिर अगला कार्यक्रम करेंगे। तो ये दोस्तों पट्टी सूख गया है, अब इसकी जो है ये 100 नंबर से 80 नंबर पत्ते वाले पेपर से इसकी हम कटाई कर लेंगे, मतलब पट्टी ऊपर की तरह जो है उसको काट के हम निकाल देंगे। ये दोस्तों इसकी कटाई हो गई है, अब इस पे फिर से हम लगाएंगे सीलर। और सीलर मारने के बाद जो एक पट्टी हमको और चेक करना पड़ेगा, क्यों चेक करना पड़ेगा, ये जो साइड में है ना इसमें छोटे छोटे गड्ढे रह जाते हैं, ये अभी आंखों से दिखाई नहीं देंगे लेकिन जब हम डीको मार देंगे ना उसके बाद जो इसमें गड्ढे जो महीन होंगे वो दिखाई देंगे। तो इसके लिए हम फिर से एक बार पट्टी कर देते हैं कि जो डाउट होगा कि गड्ढे बचे होंगे वो भर जाएंगे, तो उसके लिए फिर से हम पट्टी कर देते हैं इस पे। तो दोस्तों ये पट्टी सूख गया, इसकी भी हम फिर से कटाई कर लेते हैं जल्दी जल्दी। अब ये हो गया तैयार दोस्तों, फिर से अब इस पे हम सीलर मार लेंगे, और अब की बार जो है तीन चार हाथ सीलर इस पे जो है अप्लाई करेंगे जब तक इसकी जो है नस भर ना जाए, उस चिकना बिल्कुल जब तक ना हो जाए। अब दोस्तों डीको का बेस एकदम हमारा तैयार हो गया है, डीको करने के लिए एकदम रेडी हो गया है। तो इस पे हम क्या करेंगे, एक बार रेगमाल मार लेंगे कि चिकना हो जाए थोड़ा सा, और तो ये दोस्तों
हमने रफ मार दिया है, अब इस पे डायरेक्ट जो है डीको अप्लाई किया जा सकता है और लोग करते भी हैं, लेकिन हमको एकदम बेहतरीन वाला करना है तो हम डायरेक्ट डीको अप्लाई नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हमने रखा है सर्फेक्सर, ये जो है व्हाइट है, डीको टाइप का लग रहा है लेकिन डीको नहीं है, ये जो है सर्फेसर है, इसको हम पहले ये कोट मारेंगे। इससे क्या होता है कि इसका बेस और भी जबरदस्त बन जाता है और मजबूत हो जाता है, और सही डीको इसी तरह होता भी है। तो हम सबसे पहले सर्फेक्सर को ले लेते हैं स्प्रे गन में, और इस सर्फेक्सर को तीनों पे हम मार देंगे। अब ये सर्फेक्सर मारने के बाद जो है इसको कम से कम हम जो है 4 घंटे सूखने के लिए छोड़ देंगे, और बैकग्राउंड में नॉइज़ ज़्यादा आ रहा है तो इसके लिए सॉरी दोस्तों, क्योंकि कारखाना में सबका काम चल रहा है तो इसके लिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रही है। तो इसको हम 4 घंटे के लिए सूखने के लिए जो है धूप में इसको जो है हम रख देंगे, उसके बाद हम फिर से इस पर अगला कार्यक्रम शुरू करेंगे। अब ये सर्फेसर दोस्तों सूख गया है, अब इसकी हम पानी लगा के मजाई करेंगे। ये 320 नंबर पेपर से, ये वाटरप्रूफ पेपर है, इससे शाइनिंग अच्छा आएगा, पीछे ब्लैक होता है। और ये जो वाटरप्रूफ पेपर है तो एक पेपर से हम 4 भाग कर लेंगे, और एक भाग को मोड़ करके पानी लगा लगा करके इसकी मजाई करेंगे। पानी लगा के इसलिए मजाई करेंगे कि अगर पानी नहीं लगाएंगे तो इसके स्क्रेच आ जाएंगे, तो पानी से मजाई कर करके और इसकी जो है साफ कपड़े से सफाई कर देंगे। तो दोस्तों हमारा जो है फाइनल कोट हम मारने जा रहे हैं, पहले मारेंगे हम व्हाइट डीको, तो डीको हमने ले लिया है, और जो है पीछे देखिए काम हो रहा है सब जो है, और जो है मशीनों की आवाज़ ज़्यादा रही है, इसको जो है नज़रअंदाज कीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि कंपनी में ही वीडियो बन रहा है। तो चलिए हम फाइनल कोट मारते हैं इस पर डीको का। अब इसमें लाल वाला करेंगे हम, प्योर रेड। और ये जो डीको पेंट है दोस्तों, इसको आप डीको पेंट या डीको पॉलिश भी बोल सकते हैं, ये ज़्यादातर MDF पे ही किया जाता है, क्योंकि MDF पे ही इसकी फिनिशिंग अच्छी आती है, और लकड़ी पे भी किया जाता है, लेकिन लकड़ी जो है, लकड़ी का जो फर्नीचर बना हो वो फर्नीचर कार्बिन वाला हो, मतलब डिजाइंस वाले हों, उस पर ये मज़ा आएगा। लेकिन अगर सही तरीके से कर दिया जाए तो आपका जो कार का पेंट है ना वो भी फेल हो जाता है इसके सामने। तो ये देखिए, ये येल्लो डीको हम मार रहे हैं, और ये येल्लो डीको मारने के बाद जो है इसको दोस्तों कम से कम 4 घंटे सूखने का समय देना पड़ेगा। तो ये हम डीको मार देते हैं और उसके बाद 4 घंटे सूखने के लिए रख देंगे, और उसके बाद करेंगे इस पर हम अगला कार्यक्रम। दोस्तों आज है दूसरा दिन और ये हमारा डीको एकदम तैयार हो गया है, देखिए अब इसमें कुछ भी काम बचा नहीं है। बस ये है कि आपको अगर मैट फिनिश चाहिए, मतलब शाइनिंग कम चाहिए, तो अब इस पर कुछ करना नहीं है, फाइनल है। लेकिन आप चाहते हैं कि शाइन कुछ ज्यादा हो और ज्यादा हो, तो इस पर हम और एक काम करेंगे, शाइनर डालेंगे इस पर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पानी लगाकर वाटर प्रूफ से थोड़ा सा मजाई कर लेंगे, इसे थोड़ा चिकना हो जाएगा। और इसकी मजाई दोस्तों सिर्फ वाटर पेपर से ही करना है, और पानी लगा करके नहीं, तो इस पर स्क्रेच आ जाएगा और फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। कटाई करने के बाद जो है साफ कपड़े से इसकी हम सफाई कर लेंगे अच्छी तरीके से, कि पानी इस पर एक भी बूंद ना रहे। तो अब दोस्तों मैं जो है ग्लोसी इसमें भर लिया हूँ स्प्रे गन में, और इसको मैं जो है इसे मार दूंगा, इससे शाइन थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा। तो ये था दोस्तों हमारा डीको पेंट का वीडियो, और ये ऊपर ऊपर ये देख रहे हैं ना जो बूंदी बूंदी सा दिख रहा है, ये कुछ नहीं है, मैं बाहर रख दिया था तो बारिश में जो है ये भीग गया था, तो मुझे अच्छा लगा तो इसी का मैं फोटो ले लिया। बाकी ये कुछ नहीं है, ये पानी है, बाकी ये कुछ नहीं है। बाकी हमारा फाइनल डीको है इस टाइप का, ये देखिए ये रहा, बाकी हमारा फाइनल रहा ये एकदम जबरदस्त। तो ठीक है दोस्तों, अब इस वीडियो को यही खत्म करते हैं, हम मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।